इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो लेखक को उस बस की हालत देखकर ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये बस चालू होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ, बस का इंजन चालू हो गया। और जैसे चालू हुआ उन सबको ऐसे लग रहा था जैसे पूरी बस इंजन है, और उन्हें ऐसा फील हो रहा था जैसे वो इंजन के भीतर अंदर बैठे हैं या फिर इंजन के अंदर बैठे हैं, मतलब इतना तेज चल रहा था उसका इंजन। और उस बस के जो कांच थे बहुत कम बचे थे, उसमें जो बचे थे उनसे भी ये लग रहा था कि ये कभी भी गिर सकते हैं। इसलिए लेखक और उनके मित्र क्या हुए, खिड़की से दूर हो गए। और इंजन ऐसे चल रहा था, उन्हें ऐसे लग रहा था कि जैसे वो उनकी सीट के जस्ट नीचे ही इंजन है, मतलब वो इंजन के ऊपर ही बैठे हैं। और बस सच में चल पड़ी, और जब बस चली तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये बस गांधी जी के ज़माने की होगी, और उसने गांधी जी के अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो आंदोलन चले थे, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, उनमें भी गांधी जी की बहुत मदद की होगी। इसलिए वहाँ से उससे क्या मिल चुकी है, ट्रेनिंग मिल चुकी है, क्योंकि उस बस का हर हिस्सा जो था वो असहयोग कर रहा था एक दूसरे से। ऐसा लग रहा था कि या तो ये सीट जो है वो इस बस की बॉडी से अलग हो जाएगी, या फिर जो ये बस की बॉडी है वो सीट को पीछे छोड़कर आगे चली जाएगी। और कुछ समय बाद हुआ ऐसा ही, जो सीट थी वो बस की बॉडी से अलग हो गई, और वो जो सब सीट पे बैठे थे वो क्या हुए, सीट के नीचे फंस गए थे। एकाएक बस रुक गई, मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। तो क्या हुआ, अचानक ही क्या हुआ, फिर बस रुक गई। फिर माल पता चला कि ड्राइवर जो, फिर पता चला कि जो पेट्रोल की टंकी है उसमें क्या हो गया, एक छेद हो गया है। तो फिर ड्राइवर ने क्या किया, बाल्टी में पेट्रोल डाला और एक नली लगाकर उससे वो इंजन में पेट्रोल भेज रहा था। तो लेखक यह आशा कर रहा था कि थोड़ी देर बाद क्या होगा, बस का जो हिस्सेदार उस बस में यात्रा कर रहा है वो इंजन को निकाल कर अपनी गोद में ले लेगा, और जैसे एक माँ अपने बच्चे को बोतल से दूध पिलाती है वैसे उस इंजन को पेट्रोल पिलाया जाएगा। अब बस की रफ्तार जो थी वो 15-20 मील
हो गई थी और लेखक को उसके किसी भी विषय पर भरोसा नहीं था, चाहे वो स्टेयरिंग हो या ब्रेक हो, उसे लग रहा था ब्रेक फेल हो जाएंगे, स्टेयरिंग टूट जाएगा। आज बस चल रही थी, बाहर के जो दृश्य थे वो बहुत लुभावने थे, दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे, पेड़ पर पक्षी बैठे थे, लेकिन लेखक को एक डर सा लग रहा था। उसको हर आने वाला पेड़ जो है उसका दुश्मन लग रहा था, उसे लगता था बस आने वाले पेड़ से टकरा जाएगी। जब उसे कोई झील नदी दिखाई देते तो उसे लगता था बस इसके अंदर डूब जाएगी। तो इस तरह उस बस की ऐसी हालत थी कि लेखक जो थे वो हर आने वाले समय में कुछ ना कुछ गलत होने का अंदेशा लगाए बैठे थे।